मोहम्मद अशरफ मागरे साहबस यमें डाइसस पे करन कलाम पाक तलावत जनाब मोहम्मद अशरफ मागरे साहब एंड इंस्पायरेशन फॉर द यूथ ऑफ बैंगमरस दिस गाय ही बिलोंग्स फ्रॉम द पार्टी पे दावान द फकर है फारूक शाह साहब जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात होने जा रहे हैं। 10 साल में बहुत कुछ बदला। 10 साल में हमारी पहचान वजूद वकार इज्जत सब हमसे लिया गया। 10 साल पहले जब हमने आपसे वोट मांगे थे हमारा अपना झंडा था अपना आईन लद्दाख हमारा हिस्सा अपनी रियासत रियासत में अपनी जमीन का हक रियासत में अपने रोजगार का हक रियासत में इन दरियाओं का हक इन पहाड़ों का इन जंगलों का हक। जब 10 साल पहले यहां इंतखाबात थे तो यहां की जमीन पे यहां के रोजगार पे यहां के पहाड़ों पे दरियाओं पे 1,40,00,000 लोगों का हक था। आज 10 साल के बाद जब हम दोबारा आपके सामने आए हैं उसी जमीन का हक 1,40,00,000,000 लोगों को दिया गया है उसी रोजगार का हक 1,40,00,000,000 लोगों को दिया गया है इन्हीं दरियाओं का हक पहाड़ों का हक जंगलों का हक 1,40,00,000,000 लोगों को दिया गया है। हमारी रियासत रियासत नहीं रही। आज हम यूटी की हैसियत से यहां इलेक्शन लड़ते हैं। हमारा झंडा हमारे पास रहा नहीं आईन सारा कुछ हमसे छीना गया और इसके बरक्स हमें मिला कुछ नहीं तबाही बर्बादी बेरोजगारी मायूसी हर लिहाज से देखें तो ये पिछले 10 साल हमारे लिए बहुत ज्यादा भारी पड़े। नौजवानों से कहा गया था कि आपके रोजगार में रुकावट 370 है 370 हटते ही नौजवानों को रोजगार मिलेगा। यहां गुलमर्ग के बाशिंदों को कहा गया था डंगमर कुंजर के रहने वालों को कहा गया था कि आपकी तालीम अस्पताल सड़क बिजली राशन इन सब चीजों में अगर रुकावट है तो 370 है। 370 हटने के बाद यहां बिजली भी बेहतर होगी साफ पानी भी मिलेगा आपको पीने के लिए
अस्पताल भी ठीक हो जाएंगे, यहाँ स्कूल भी ठीक होगा और हम खुशहाली की तरफ चलना शुरू करेंगे। लेकिन आज इस 10 साल के अरसे के बाद मैं मजबूर होता हूं कहने पे कि आखिरकार ये सारा हमारे साथ धोखा था। और बदकिस्मती से लगातार एक साजिश के तहत आज हमारी आवाज को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, हमें तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, यहां से एक गलत सिग्नल और पैगाम भेजने की कोशिश की जा रही है। आगा रूहुल्ला साहब जब पार्लियामेंट में तकरीर करते हैं तो आप यहां से ताली बजाते हैं, मियां अल्ताफ साहब जब पार्लियामेंट में तकरीर करते हैं तो यहां पे लोग वाह वाह करते हैं, क्योंकि आगा रूहुल्ला साहब, मियां अल्ताफ साहब वहां जाके आपके जज्बातों की तर्जुमानी करते हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि श्रीनगर के एमपी आपके जज्बातों की तर्जुमानी कर रहे हैं, अनंतनाग का एमपी आपके जज्बातों की तर्जुमानी कर रहा है, लेकिन आपका मुकामी एमपी है नहीं। क्यों? क्योंकि उस वक्त यहां ऐसी जज्बाती बातें हुई, जज्बात के बुनियाद पर तकरीरें हुई, जज्बात के बुनियाद पर वोट मांगे गए और आप लोग बह गए। उसमें नुकसान किसका हुआ? मरकज का तो फायदा हुआ। लेकिन आज बदकिस्मती से आप लोगों की आवाज वहां पहुंची नहीं। आपने वोट दिए थे कि आपको 5 साल के लिए एमपी मिले, लेकिन आपको मिला क्या? 20 दिन के लिए एमपी, और वो भी वो शख्स जो यहां आया सिर्फ और सिर्फ वोट तकसीम करने के लिए। पहली तारीख को यहां वोट पड़ेंगे, दूसरी तारीख को आपके एमपी साहब वापस चले जाएंगे। मरकज की यही कोशिश है कि आपकी आवाज दब जाए, आप बात रहने के काबिल ना रहे। कल को उनकी मुकम्मल कोशिश है कि खुदा ना खास्ता अगर यहां हमारे वोट तकसीम हुए, बीजेपी की कोशिश है कि जम्मू का सारा वोट जो है वो हासिल करें। उनकी कोशिश है कि कल उनके मर्जी के मुताबिक यहां हुकूमत बने और फिर असेंबली के जरिए वो 5 अगस्त 2019 के फैसलों पे अपनी मंजूरी का मोहर लगाना चाहते हैं। उस मोहर का मतलब ये होगा, कल को जब पार्लियामेंट में आगा रूहुल्ला साहब तकरीर करेंगे और कहेंगे कि 370 हटाने का फैसला जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है, जब आगा रूहुल्ला साहब तकरीर करेंगे और कहेंगे 35A हटाने का फैसला जम्मू कश्मीर के लोग कबूल नहीं करते, यही बीजेपी वाले खड़े होंगे और कहेंगे आगा साहब आप झूठ क्यों बोल रहे हो, जम्मू कश्मीर की कानून साजी असेंबली ने इस पे अपना मोहर लगाया है, जम्मू कश्मीर के नुमाइंदों ने 370 के हक में अपना फैसला सुनाया है, आप क्यों दुनिया को झूठ बोल रहे हो? और आगा रूहुल्ला साहब के पास इसका जवाब नहीं होगा। हम जो कहते हैं कि हम इस मुद्दे को जिंदा रखेंगे, हम जो कहते हैं कि कल को इंशाल्लाह दिल्ली में निजाम बदल जाएगा, हम अपने हकूक वापस हासिल कर सकेंगे, अगर असेंबली से 370 को हटाने की का फैसला जो है अगर उस पर मंजूरी का मोहर लगा, हम ये कर नहीं पाएंगे। इसलिए ये इलेक्शन जहां हमारा फर्ज बनता है
हम आपके रोजमर्रा के मसले हल करें। वहां हमें आने वाले कल का भी ख्याल रखना पड़ेगा, हमें अपने इन बच्चों के मुस्तकबिल को बचाना होगा, अपनी जमीनों पे जो हमारा हक था वो वापस हासिल करना होगा, अपनी दरियाओं में, यहां इस दरिया की जिसकी जिक्र फारूक शाह साहब ने की, यहां से पत्थर निकालने का हक तो आप लोगों को होता था, यहां से रेत निकालने का हक तो आप लोगों को होता था, आज वो हक आपसे छीना गया है। लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह 8 अक्टूबर के बाद जब आपकी दुआओं के नतीजे में और आपकी वोट के नतीजे में यहां हमारी हुकूमत बनेगी, इन दरियाओं से पहाड़ पत्थर निकालने का पहला हक जो है आप लोगों को वापस दिया जाएगा। यहां रोजगार का हक हमारे नौजवानों को होगा, जिस तरह फारूक शाह साहब ने कहा, हम पहले दिनों में ही यहां 1 लाख से ज्यादा सरकारी मुलाजिम लगाने का काम करेंगे, हम दूर दराज इलाकों में दोबारा वहां स्पेशल पुलिस की भर्ती कराएंगे, हम डेली वेजरों को रेगुलराइज करने का काम करेंगे। फारूक शाह साहब ने बिजली के हवाले से बात की, साफ पीने के पानी के हवाले से बात की, ग्रेटर गुलमर्ग का एक प्रोग्राम बनाने के हवाले से बात की, ताकि गुलमर्ग के टूरिज्म का फायदा सिर्फ गुलमर्ग को ही ना पहुंचे, गुलमर्ग के टूरिज्म का फायदा टंगमर्ग, कुंजर, आसपास के इलाके जो है वो भी इस टूरिज्म का फायदा लेके यहां से कुछ कमाए। लेकिन वो सब तभी मुमकिन होगा अगर कि हम दिल्ली की साजिशों को नाकामयाब करें। यहां इससे पहले भी ये लोग जो आज आपसे वोट मांगने आए हैं, इन्होंने पहले भी धोखे दिए। 2014 के इलेक्शन याद करिए, उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ एक नाराजगी थी, ये जो कलम दबात वाले हैं, उस वक्त इलेक्शन में ये क्या कहते थे तकरीरों में कि बीजेपी को बाहर रखने के लिए पीडीपी को जितवाना जरूरी है, यही इनका नारा था। जगह जगह इन्होंने तकरीरें की, जगह जगह बीजेपी को बाहर रखने के लिए वोट मांगे, और फिर किया क्या, 28 सीटें बीजेपी को दिए गए, 28 सीटें पीडीपी ने जीते। यहां टंगमर्ग से भी पीडीपी का एमएलए जीता, और इलेक्शन के फौरन बाद वो 28 के 28 एमएलए जो है वो बीजेपी की गोद में जाके बैठ गए। आज भी आप मान के चलिए, अगर किसी आजाद उम्मीदवार को वोट मिलते हैं, अगर यहां सेब को वोट पड़ता है, अगर यहां बैट को वोट पड़ता है, अगर यहां कलम दवात को वोट पड़ता है, वो वोट सीधा सीधा बीजेपी के हक में जाने वाला है। मिलकर हुकूमत बनाएंगे, छोटी पार्टियां कौन, प्रेशर कुकर, बैट, सेब, कलम दवात और आजाद उम्मीदवार। तो खुदारा खुदारा अगर हमने इन साजिशों का मुकाबला करना है, अगर हमने अपनी आवाज बुलंद करनी है, अगर हमने पिछले 10 साल के इस्तेसाल का मुकाबला करना है, कितने नौजवान हमारे हैं जिनके खिलाफ FIR है, जिनको हर हफ्ते पुलिस थाने में बुलाया जाता है हाजिरी के लिए, कितने नौजवान ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर के बाहर जेलों में बंद है, कितने नौजवान ऐसे हैं जिनको PSA का केस लगा हुआ है। जनाब हम एक कैदी की बात नहीं करते, हम जब बात करते हैं उन पर हजारों की बात करते हैं जो जम्मू कश्मीर के बाहर जेलों में सड़ रहे हैं, और हम कहते हैं
इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी, रियासत का दर्जा हमें वापस मिलेगा, हम उन लोगों को जेल से वापस लाएंगे। हम जम्मू कश्मीर से, हम जम्मू कश्मीर से पीएसए का कानून, हम जम्मू कश्मीर से पीएसए का कानून हमेशा के लिए हटा देंगे, ताकि आगे जाके इसका कहीं गलत इस्तेमाल ना हो।